ओम नमो भगवते श्रीमद्भागवत सुदेवाय नवम नवमस्क अथ प्रथम राजोवाच मवंतरा सर्वाणी तयोक्ता श्रुता मे न वीर कृतानि च आत्मीय स्वजनों अमेरिका पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया में जिस घर का नाम ही है वृंदावन स्वयं भगवान राधा कृष्ण की पावन उपस्थिति में भागवत संक्षेप इस विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं आठ स्कंद तक का हमने दर्शन किया बाईस भाग में आज अपना यह तेईसवा पार्ट है दिस इज ट्वेंटी थर्ड पार्ट और हम नवे स्कंद का आरंभ कर रहे हैं नवम स्कंद का प्रिय स्वजनों थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय ले लें नवम स्कंद में चौबीस अध्याय हैं। इसे इशानु कथा कहा जाता है द्वितीय स्कंद के दसवें अध्याय में स्वयं सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत का मोटा मोटी कोर्स का परिचय दिया है वह अत्र सर्गो विसर्गस् स्थान पोषण मूत कथा निरोधो मुक्तिश्रय तो उस क्रम से नवम स्कंध कथा है महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी की दृष्टि से ये श्री गोवर्धन नाथ जी की बाई छाती है वाम छाती साधारण गणना के अनुसार देखें तो ये नवम स्कंद के 24 अध्याय में नौ श्लोक है 964 हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर वर्सेस ये स्कंद दो विभाग में हम बांट सकते हैं उसको वंश और वंश पहले बारह अध्याय सूर्य वंश का वर्णन करते हैं और अंतिम अर्थात तेरहवें अध्याय से लेकर के चौबीसवें अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन करते हैं यूं देखेंगे तो प्रकृति में भी ये दो मुख्य ऊर्जाएं हैं सौर ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा प्रकृति भी देखें तो पुरुष को सौर शक्ति प्रधान माना है पुरुष देह को और नारी देह को चंद्र शक्ति प्रधान माना है सूर्य अग्नि का तो प्रतीक है ही लेकिन प्राण का प्रतीक है और बुद्धि प्रधानता मानी गई है ज्योतिष में भी जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पावरफुल होगा वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान प्रभावी होता है और चंद्रमा जो है वह इमोशंस लव और मन की प्रधानता उसमें मानी गई है अब यहां पर जो हम सोम कहते हैं सूर्य और सोम तो सोम का अर्थ आकाश में जो चंद्र है वो तो है ही लेकिन उससे भी अधिक जो सोम रस प्रधानता है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है और सबके अंतकरण में जो प्रियता का भाव है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग मैं किसी का हूं और कोई मेरा है यह संवेदना इसको सोम का प्रतीक माना है दूसरी दृष्टि से देखें तो प्रिय प्रियस्वजनों नवम स्कंद का जो प्रथम आधा भाग है पहले बारह अध्याय वह दुख निवारक है और उत्तरार्थ जो है अंतिम के बारह अध्याय वह सुख प्राप्ति के लिए है जीवन का यही तो हेतु होता है दुख का निवारण करें और सुख की प्राप्ति करें थोड़ा सा और चिंतन करें तो पता चलता है दुख केवल दो अवस्थाओं में प्राप्त होता है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था द स्टेट ऑफ अवेकनिंग एंड द स्टेट ऑफ ड्रीम जबकि सुख तीनों अवस्था में प्राप्त होता है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इसलिए तो हम कहते हैं ना जब नींद बहुत अच्छी आ गई हो तो सुबह उठकर आप कहोगे कि आज बड़ा सुख लगता है अच्छा लगता है क्यों आई हैड ए वेरी साउंड स्लीप लास्ट नाइट सुख का अनुभव नींद में भी होता है यह नवे स्कंध में प्रिय स्वजनों जो भगवत चरित्र हैं भक्तों के चरित्र हैं ज्ञानियों के चरित्र हैं वैरागियों के चरित्र हैं और जिन्होंने ये भक्तों की ज्ञानियों की सेवा की है ऐसे सेवकों के चरित्र हैं यह सभी के द्वारा दो हेतु सिद्ध करने हैं दुख का निवारण हो और सुख की प्राप्ति हो सूर्यवंश और चंद्रवंश ये दोनों प्रभावी वंश लिनिएज भारतीय संस्कृति में रहे और ये दोनों वंशों में एक एक ऐसे महापुरुष ऐसी दिव्य चेतना अवतरित हुई है सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और चंद्रवंश में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कई बार कहा है कथाओं में कि ये दो अवतार यदि न होते तो हम क्या होते केवल भारत नहीं समग्र विश्व क्या होता ये दो अवतारों ने पूरे समाज को पूरे मानवता को प्रेरणा दी है आश्वासन दिया है हिम्मत दी है सनमार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया है और केवल मार्गदर्शन बोलकर नहीं दिया स्वयं जीकर दिखाया है एग्जैंपलरी लाइफ दोनों ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने दिखाई है ये दोनों के चरित्र दोनों वंश के सोम सूर्यवंश और चंद्रवंश के यहां पर हैं सूर्यवंश विवस्वान मनु से आरंभ होता है उनकी प्रधानता है उसमें और चंद्रवंश निमी राजा की प्रधानता से आरंभ हुआ है सूर्य और चंद्र दोनों भगवत गीता की परिभाषा में कहें तो और वेद की परिभाषा में कहें तो निष्काम कर्मयोग के प्रतीक हैं ऋग्वेद के पांचवें मंडल में इक्यावनवा सुप्त है और उसमें पंद्रहवीं रुचा है स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमा सूर्या चंद्रम सौ इव सूर्य और चंद्र के समान इव का अर्थ है जैसे हम स्वस्ति पंथा मनुचरे मंगल के पंथ पर मंगल के मार्ग पर मंगलता कुशलता उस मार्ग पर हम अनुचरे में हम चलते रहे हम उसका अनुसरण करते रहे जैसा यह सूर्य और चंद्र दोनों ने जीकर दिखाया है तो यह दो प्रभावी वंशों का वर्णन प्रिय स्वजनों आठवें स्कंध में हमने देखा कि आठ जो चलो सातवां स्कंद जो है वो उति उति का अर्थ है वासना उत कर्म वासना क्या होती है कर्म वासना सदवासना असद्वासना और मिश्र वासना ये सब हमने देखा है पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं सातवें स्कंध के सब भाग तो सातवें स्कंध में वासना का वर्णन किया आठवें स्कंद में दुर्वासना अर्थात जो बुरी वासना है असद वासना है उसका विनाश कैसे किया जाए यह बताया और ये नवे स्कंध में तो वासना का बीज ही कैसे निकाला जाए क्योंकि वासना ही तो मनुष्य को बंधन निर्माण करती है जन्म जन्मांतर के फेरे में लगाती है जिसे मुक्ति चाहिए उसे वासना से मुक्त होना पड़े तो वासना का बीज ही उच्छेदन हो जाए इसका उपदेश नवम स्कंद में हमें प्राप्त होता है वासना के बीज का उच्छेदन हो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ यह है अंतकरण शुद्ध किया जाए क्योंकि चाहे सदवासना हो चाहे असद वासना हो वो मिलावट तो है ही पानी में चाहे दूध मिलाओ या विष मिलाओ मिलावट तो हुआ है पानी की शुद्धता तो के दूध मिलाने से भी पानी की शुद्धता तो चली जाती है ऐसे विशुद्ध अंतकरण में आप सदवासना डालो या असद वासना डालो अंतकरण तो विशुद्ध हुआ विकारित तो हुआ जिसको विशुद्ध अंतकरण चाहिए उसके लिए उस अंतकरण की शुद्धि के लिए यह नवे स्कंद का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि विशुद्ध अंतकरण ही परमात्मा में स्थिर हो सकता है आने वाला जो दशम स्कंद है ना वो निरोध लीला है निरोध एकाग्रता जब तक अंतकरण विशुद्ध नहीं होता तब तक वह परमात्मा में एक रूप नहीं हो सकता तो नवम स्कंद या दशम स्कंद की नींव है दशम स्कंद की पूर्व भूमिका है बहुत सारे चरित्र हैं कुछ वंशों के भी वर्णन है एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई सदगुण ना हो प्रश्न यह है कि हमारे भीतर वो सद्गुण का दर्शन करने की क्षमता है सभी में कुछ तो अच्छा ही है ही डू वी हैव द एबिलिटी टू पिकअप दैट गुडनेस इन एवरी इंडिविजुअल अधिकतर लोग दोष ही पहले देखते हैं दृष्टान बड़ा प्रसिद्ध है मनोविज्ञान का कि एक मनोविज्ञान वैज्ञानिक ने, ने बहुत बड़ा पर्दा रखा सफेद और उसके ऊपर कहीं पर एक छोटा सा दाग लगा दिया और लोगों से आके पूछा इसमें क्या दिखता है सौ में से अट्ठानवे व्यक्तियों ने कहा यह दाग दिखाई पड़ता है यह काला दाग दिखाई पड़ता है तो मनोवैज्ञानिक सामने से पूछता तुम्हें इतना बड़ा सफेद पर्दा दिखाई नहीं पड़ता दाग पर ही तुम्हारी दृष्टि क्यों जाती है मनुष्य का स्वभाव है दोष ही निकालता है गुण नहीं देखता नवम स्कंद प्रत्येक चरित्र के अंदर गुण दर्शन कैसे करना वह सिखाता है और दूसरी एक बात आठवें स्कंध में भी कई वंश थे मनवंतर लीला में नवे स्कंद में भी कई वंशों का वर्णन है लेकिन अल्टीमेटली एक बात सामने आती है कि संसार में बड़े बड़े वंश हुए उन वंशों में बड़े बड़े महापुरुष हुए पराक्रमी हुए दानी हुए तपस्वी हुए लेकिन अल्टीमेटली सभी वंश पूरे हो गए कोई न रहा यह संसार में समंदर की लहर की तरह सब कोई आते हैं और वही समंदर में समा जा समा जाते हैं कोई बचता नहीं है अंत में बचता है तो एकमात्र केवल समुद्र परमात्मा तो यह परमात्मा के विराट अस्तित्व में हमारा आना जाना होते रहता है ईश्वर ही अंत में बचता है ऐसे ये स्कंद में प्रथम अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है अब प्रियस्वजनों ये कथा ऐसे थोड़ी आश्चर्यकारक लगेगी आधुनिक मन में जो विचार करने की प्रक्रिया है हमारी मॉडर्न थॉट प्रोसेस विशेष करके एजुकेटेड लोगों की उनको लगेगा हाँ ये सब हो सकता ऐसा, है ऐसा ठीक है यह सब कहा पहले तो मैं जो प्रसंग है वो बता देता हूँ फिर चिंतन आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये बिल्कुल संभव नहीं है ऐसा तो मत मानना प्रिय सुजनों मॉडर्न साइंस थोड़ा थोड़ा प्रगति करते हुए वहां पर पहुंचा है आइए पहले सुद्यु राजा की कथा देखते हूं परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा है कि मनवंतराणी सर्वाणी त्वक्ता श्रुतानी में गुरुदेव आपने जो विविध मनवंतरों की कथा की वो मैंने सुनी और वीरियान अनंत वीरिय से भगवान जो है जो अनंत पराक्रमी है उनके पराक्रम भी मैंने सुने अब ये जो विवस्वत है विवस्वान मनु उनके जो वंश है वो मुझे सुनना है ये भूता ये भविष्या तेषाम न पुण्यकीर्तिनाम सर्वेशा वद विक्रमान अभी तक ये वैवस्वान मनु के वंश में जो हो चुके हैं इस समय जो वर्तमान हैं ये भूता ये भविष्य और अद्यत अभी जो हैं भवंती उन सभी के पराक्रमों के बारे में मुझे सुनना है तेषाम न पुण्य कीर्ति ना वो सब कैसे पुण्य कीर्ति अपने श्रेष्ठ पराक्रम करके उन्होंने अच्छी पुण्यमय कीर्ति कमाई है उनका चरित्र मुझे सुनना है सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परंतप न विस्तरतो ते विस्तर तो वर्ष शतरपी ये मनु के वंश का मैं वर्णन करता हूं संक्षेप में वर्णन करता हूं क्यों क्योंकि प्राचुर्य से यदि डिटेल में वर्णन करता करने जाऊंगा तो न शक्य विस्तर तो वक्तुम वर्ष सौ वर्ष में भी पूरा नहीं होगा यही तो श्रीमद् भागवत की महत्ता है मैं बार बार कहता हूं कि पूरी पूरी जो भागवत ग्रंथ को समझने जाए तो कदाचित सौ वर्ष भी कम पड़ जाए इसीलिए हमने इस प्रवचन मालिका का नाम ही दिया है ना भागवत संक्षेप न, भागवत इन ब्रीफ संक्षेप में बता दूं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मरीची मरीची के मानस पुत्र हैं कश्यप कश्यप ऋषि का विवाह हुआ है अदिति ये अदिति कश्यप की दो पत्नियां थी दीति और अदिति मैंने आठवें स्कंद में भी ये बात बताई है समुद्र मंथन के समय कश्यप और अदिति के पुत्र जो हुए हैं वो है विवस्वान विवस्वान सूर्य उनका विवाह हुआ है संज्ञा के साथ उनके जो पुत्र हैं वह है, है श्राद्धदेव मनु और श्राद्धदेव मनु की पत्नी है श्रद्धा श्राद्धदेव मनु के दस पुत्र हुए जिनके नाम है इक्श्वाकु मृग शरियाती दिष्ट दृष्ट ुष नरिश्यंत पुरुष्र नभग और कवि अब सारे नाम तो याद नहीं रहेंगे लेकिन उसमें जो ये इक्ष्वाकु है सबसे पहला पुत्र वहीं से इक्ष्वाकु वंश जो आगे चलकर फिर रघुवंश भी कहलाया और जिस वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं तो ये परंपरा है अब प्रजस्य मनोहपूर्व वशिष्ठो भगवान किला। अब उस कथा क्या है उसके पहले ये जो नवस्क के पहले अध्याय में प्रसंग है वो वैवस्वत मनु शुरुआत में संतानहीन थे उस समय वशिष्ठ ऋषि ने एक बात रही है भाई कि सूर्यवंश के पुरोहित या तो आचार्य या तो कुल गुरु के रूप में वशिष्ठ जी रहे हैं हमेशा वशिष्ठ ऋषि ने विवस्वान मनु को संतान प्राप्ति हो इसके लिए मित्रावरुण यज्ञ कराया है और मनु की पत्नी श्रद्धा के कहने से होता ने विपरीत कर्म किया यहां पर इन लोगों की इच्छा है कि प्रजातंतु चलना चाहिए वंश विस्तरित होना चाहिए इसलिए पुत्र संतति हो लेकिन विवस्वान मनु श्रद्धा जो है उनकी पत्नी श्रद्धा जो है उनकी इच्छा थी पुत्री होनी चाहिए तो उन्होंने होता से कह दिया कि जरा आप ऐसे आहुति दो तो हुआ क्या कि पुत्र के स्थान पर इला नाम की पुत्री हुई है कन्या हुई वशिष्ठ जी ने सोचा हमने जो यज्ञ कराया है सब ठीक कराया तो ये परिणाम विपरीत कैसे आया देखिए यहां पर प्रश्न आज के युग में नहीं तो लोग प्रश्न करेंगे ना कि पुत्र और पुत्री में क्या फर्क है दोनों संतान ही है दे आर इक्वल एग्रीड कर्मकांड जो है ना प्रिय स्वजनों वो स्ट्रिक्ट फॉर्मूला है लाइक अ केमिकल रिएक्शन यदि कर्मकांड को ठीक से समझा जाए तो लेबोरेटरी में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको पता है कि ये केमिकल डालो इसमें ये मिला इसमें ये मिला इसमें ये करो और ऐसे टेम्परेचर पे इस प्रोसेस से करो तो अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए इट्स साइंटिफिक ऐसे कर्मकांड में ये विधि करो ये मंत्रों का ऐसे उच्चार करो ये प्रक्रिया करो ऐसी आहूति दो ये करते रहो तो ये परिणाम मिलना चाहिए इतनी सिस्टमैटिक बात है वो बात अलग कि आज कर्मकांड के इतने विद्वान भी बहुत कम हो हैं अभी भी बिल्कुल कम, बिल्कुल कम जीरो हो गया ऐसा नहीं कहूंगा हैं कई बार ऐसा भी होता है कि विद्वान कराना चाहे लेकिन करने वाले लोग ना हो इतनी श्रद्धा से फिर उसमें आप बजटिंग भी करने जाओ कॉर्नर भी कट कर करो हमारे बजट में करो हमारे टाइम में करो फिर नहीं होता वो उसके लिए जो औषधि चाहिए जो द्रव्य चाहिए जो चाहिए वो सब चाहिए बहुत सिंपल इक्वेशन पढ़े थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड नहीं वो तो सोडियम क्लोराइड तो आया हाइड्रोक्लोरिक एनए तो प्रो, प्रो, आ, आ, सोडियम कार्बोनेट तो वो आता है एनए तो अब एच चाहिए और एचसीएल की जो कैपेसिटी चाहिए वो भी वो भी चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए वो भी चाहिए अब आप कहोगे नहीं एच के बदले पानी डाल दो ना फिर हमारा तो बजट पानी का है एच का नहीं है तो फिर क्लोरिन नमक नहीं होगा उत्पन्न एन प्रोडक्ट नहीं होगा जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है जैसे करना पड़ता है वैसे करना पड़ता है ये कर्मकांड है और यहां तो स्पष्ट आया कि भाई मनु की पत्नी श्रद्धा ने ही जब गोता को कह दिया कि ऐसा करो तो वहां जो गड़बड़ गई वशिष्ठ जी सोचने लगे कि ये हुआ क्यों अब किसे पूछेंगे ये तो बताएंगे नहीं होता उनको वशिष्ठ जी को तो संशय भी ऐसा नहीं आएगा कि कैसे हो सकता है तो उन्होंने सीधे जो आद्य ईष्टदेव है भगवान नारायण से पूछा नारायण की स्तुति की और जब ये पता चला तो यह कहा नहीं गड़बड़ नहीं चलेगी लिखा है ग्रंथ में कि इला नामक जो कन्या थी उसको युवक में परिवर्तित किया उसका नाम है सुद्युम्न अब आज के युग में साइंटिफिकली भी देखने जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि सेक्स चेंज के सर्जरीज आज संभव है तो हम क्यों माने कि उस समय में संभव नहीं था संभव हो सकता है सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया उसको एक बार हुआ ऐसा कि सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ कुछ मंत्रियों के साथ वन में गया था हिरण का पीछा करते हुए मेरु पर्वत की किसी एक तलहटी में एक वन में वो चला गया जैसे ही उस वन में प्रवेश किया तुरंत सुद्युम्न स्त्री बन गया उसके साथ जो मंत्री सैनिक थे वो भी सब स्त्री बन गए उस हद तक की जो उनके घोड़े थे मेल हॉर्सेस वो भी मैर्स फीमेल हॉर्सेस बन गई वो भी सब ऐसे ही रहने लगे उनके अनुचर भी इसी रूप में रहने लगे तो उस समय सुद्युम्न जब ये स्त्री रूप में वन में विचरण कर रहा है चंद्र का पुत्र है बुध <coughs> मर्क्यूरी ये बुध ने देखा कि ये मेरा वन है और मेरे वन में बहुत सारी सेविकाओं से दासियों से घिरी हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री विचरण कर रही है बुध ने सोचा कि ये मेरी पत्नी हो और वो स्त्री ने भी जो सुद्युम्न स्त्री के रूप में था उसने भी चाहा कि ये बुध मेरा पति हो दोनों को आकर्षण हुआ तो संबंध हुआ और उन दोनों का जो पुत्र हुआ उसका नाम है पुरुरवा। अब कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को पता चला कि अरे भाई ये सूर्य वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमने यज्ञ किया यज्ञ में से जो गड़बड़ हुई पुत्री हुई पुत्री को फिर से पुत्र बनाया लेकिन वो वापस स्त्री हो गया फेमिनिन हो गया ये कैसे चलेगा तो अब वशिष्ठ भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भगवान शंकर की आराधना की है और शिवजी की आराधना से प्रभु प्रसन्न हुए शंकर भगवान वशिष्ठ ऋषि ने जो अपनी अभिलाषा व्यक्त की उसको पूर्ण करने के लिए शिव जी ने कहा कि देखो ये मेरू पर्वत की तलहटी में आए वहां का जो एक प्रभाव है वो तो होगा लेकिन अब क्या होगा कि ये सुद्युम्न एक महीने के लिए पुरुष रहेगा एक महीने के लिए स्त्री रहेगा यही सुद्युम्न के तीन पुत्र हुए उत्कल गय और विमल ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए वृद्धावस्था जब आई तो सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य सौंपा है और वे स्वयं वन में तपश्चर्या करने के लिए चले गए अब जैसा प्रश्न हमारे मन में आता है वही प्रश्न परीक्षित के मन में भी आया है परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से गुरुदेव मुझे दूसरी सब बातों का संशय नहीं होता स्त्री का जन्म हुआ उसको पुरुष बनाया जाता है वो अब आज का परीक्षित होता तो, तो कहता साइंटिफिकली भी संभव है लेकिन ये कैसी बात कि उस एक वन में प्रवेश किया और वो वन में प्रवेश करने से पुरुष भी स्त्री हो जाए सुद्युम्न के सारे मंत्री सैनिक उस हद तक कि उसके घोड़े भी जो मेल थे वो सब फीमेल हो गए ये कैसे हुआ तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि वह वन में भगवान शंकर विहार कर रहे थे और उस वन में शिव जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि उस वहां पर गए हैं ऋषियों ने देखा कि भगवान शंकर गौरी के साथ वहां पर विहार कर रहे हैं तो ऋषि लोग वहां से लौटकर नरनारायण के आश्रम पर चले गए लेकिन शिव और गौरी का जो विहार चल रहा था उसमें थोड़ा सा विक्षेप हुआ वो गौरी को ठीक नहीं लगा यह भी बात तो आधुनिक युग में भी होती है ना कि पत्नी अपने पति का समय चाहती है और वो दोनों जब अकेले बैठे हो तब दूसरा कोई आए तो पत्नी को पसंद नहीं होता पति थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले चलो आ गए तो बाद में बात पत्नी को लगता है नहीं दिस इज माय टाइम उसमें क्यों कोई आए तो माताएं बहने महिलाएं थोड़ी पजेसिव और होती है इस समय के बारे में तो गौरी को अच्छा नहीं लगा तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे विहार में कोई अन्य पुरुष आते हैं तो तुम्हें संकोच होता है अब ये पूरा वन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई पुरुष आ ही नहीं पाएगा और यदि कोई पुरुष आया तो भी वो स्त्रैण हो जाएगा वो फेमिनिन हो जाएगा तब से उस वन में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करते इसलिए याद रखे देखिए पहली बार जब इला का जन्म हुआ तो वशिष्ठ जी ने किसका आराधना की नारायण की लेकिन ये सुद्युम्न जब स्त्रैण हो गया तो उसको पुरुष बनाने के लिए वशिष्ठ जी ने नहीं तो पुनः कर सकते थे ना वही नारायण की आराधना नहीं लेकिन यहाँ पर शंकर जी की आराधना की क्यों क्योंकि इस वन में शिव जी का वो आधिपत्य था शिवजी की आज्ञा थी इसलिए ये प्रथम अध्याय नवम स्कंद का यहाँ पूरा होता है कहा ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पति प्रभु पुरुरवस उत्सृज्य गाम पुत्राए गनम की जब उम्र हुई तो अपने पुत्र पुरुरवस को पृथ्वी का राज्य दे करके सुद्युम्न राजा स्वयं वन में गए तपश्चर्या करने लगे उसके बाद जो मनु का वंश आगे चलता है श्री शुक उवाच एवं गते थे सुद्युम्न पुत्र कामस तपस्ते पे समाह सुद्युम्न जब तपश्चर्या चलने करने के लिए चले गए तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर सौ वर्ष तक तपस्या की है भगवान की आराधना की है और उन्होंने अपने समान आदि दस पुत्र जिनका नाम मैंने आगे लिया वो पुत्र उत्पन्न किए अब उनमें पुरुषद्र और कवि ये तो दोनों मुनि हो गए पुरुषध्र की भी बात ऐसी है एक वाक्य मैं कह दूं कि एक गाय की उनसे भूल से हत्या हो गई अनजाने में हत्या हो गई तो वशिष्ठ जी ने उसको शाप दे दिया कि तुम शुद्ध हो जाओगे तब से पुरुष्र ने नैश्चिक ब्रह्मचर्य व्रत लिया वन में ही रहते थे और एक बार वन में जब दावानल लगी आग लगी तो उसी आग में उन्होंने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया है करुष के फिर आगे सब ये पुत्रों का वर्णन है दूसरा अध्याय नवस्कंद का मोटा मोटी सब ऐसे वंशों का ही वर्णन है तीसरे अध्याय में महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र है और राजा शरियाती के वंश का वर्णन किया है मनु का पुत्र है शरियाती वो वेदों का विद्वान था निष्ठावान विद्वान था वेद को जानने वाला था और उसने अंगीरा गोत्र के ऋषियों को यज्ञ के दूसरे दिन का क्रम क्या होता है यह बताया था और उसको सुकन्या नाम की एक पुत्री थी एक बार राजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ घूमते हुए वन में पहुंचे जहां चवन ऋषि का आश्रम था सुकन्या ने देखा कि वो च्यवन ऋषि के आश्रम में एक बांबी है हिंदी में उसको बांबी कहते हैं गुजराती गुजराती मैंने पे सांप जो किड़ियारू राफड़ो राफड़ो दैट्स राइट वर्ड right राफड़ो जो होता है गुजराती में राफड़ो कहवाए तो बांबी के अंदर ये सुकन्या ने दो चमकते हुए कुछ जैसे सोर्स ऑफ लाइट ऐसे देखे दो चमकती हुई ज्योतियां जैसे देखा तो सुकन्या है युवती है उसको आश्चर्य हुआ कि क्या होगा तो उसने एक कांटा कोई वनस्पति का लिया और दोनों में से एक ज्योति में ऐसे जैसे फिर अंदर ध दिया उसको जैसे ही वो एक ज्योति को बिंधा शरियाती राजा के जितने भी सैनिक वहां पर आए थे उन सभी के शारीरिक क्रियाएं विशेष करके उत्सर्ग क्रियाएं मलमूत्र विसर्जन की क्रियाएं बंद हो गई राजा ने तुरंत सोचा कैसे हुआ किसी ने शरियाती क्योंकि शरियाती मुनि का आश्रम है ये शरियाती का कोई अपमान किया है कोई भूल हुई है किसी से तब सुकन्या ने डरते हुए कहा कि मैंने ये दो ज्योति को छेद दिया है कांटे से अब हुआ यह है कि वो शरियाती मुनि थे तपस्या कर रहे थे और इतनी कठोर तपस्या कि उनके शरीर के आसपास वो बांबी बन गई थी और ये दो ज्योति दिखाई पड़ती थी ना वो शरियाती मुनि की दो आंखें थी राजा ने जब तपश्चर्या की आ, प्रार्थना की तो वहां से चवन मुनि हाँ सॉरी चेवन मुनि थे बांबी के अंदर शरियाती राजा अपनी पुत्री सुकन्या के साथ आया हुआ है तो चवन मुनि बांबी में से बाहर आए कहा कि अपराध हो गया आपके नेत्र को बिंद डाले क्या करूं मैं जो संवाद हुआ परिणाम यह हुआ प्रिय स्वजनों कि सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ कराया गया है सुकन्या च्यवनम प्राप्य पति परम को प्रीणया मास चित्तज्ञा अप्रमत्ता अनुवृत्ति भी स्वाभाविक है च्यवन मुनि को क्रोध आया होगा अब उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो बाद बात में वो क्रोधित हो जाते हैं और वो अपराध तो सुकन्या ने किया हुआ है हमने देखा है ना कि या तो कोई व्यक्ति बीमार हो या उम्र होने लगे इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगे स्मृति भ्रंश होने लगे तो व्यक्ति सा हो जाता है रिसेंट मेमोरी जब वो चली जाए मैंने देखा है मेरे व्योवृद्ध माता पिता विशेष करके पिताजी चाय उन्होंने पी हो दस मिनट के बाद पूछेंगे मैंने चाय पी मुझे कोई चाय क्यों नहीं देता अरे पिताजी आपने चाय पी अच्छा वापस और पांच मिनट के बाद कहेंगे चाय क्यों नहीं देता मुझे चिड़चिड़ी से बालक की तरह संभालना पड़ता है उनको किसी को सुना ही नहीं पड़ता अब उनको पता है कि वृद्धावस्था आई है सुना ही नहीं पड़ता है तो एक बार वो कोई लोग बात करते हो थोड़ी देर बैठेंगे फिर अचानक से जरा जोर से बोलो ना क्या कहा अपनी व्यथा वो आक्रोश के रूप में प्रकट करते हैं ऐसे लोगों के प्रति प्रिय स्वजनों सिंपत्ति रखनी चाहिए कई बार क्या होता है कि परिवार के अन्य लोग भी क्रोधित हो जाए क्यों चिड़ते हो जोर से मत बोलो ऐसा मत करो मत करो ऐसा उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ काम कर लिया अब जरा उनको जो साठ सत्तर अस्सी के पार होने लगे ना उनको बालक की तरह वो थोड़े चिड़ी चिड़े भी जैसे छोटा बच्चा के जैसे बैठ जाए तो हम कैसे उसके पास बताए बेटा क्या हुआ ऐसे सत्तर पचहत्तर के भी बाबू जी मां जी घर में थोड़े के बैठ जाए तो उनको प्यार से मिलाओ हम्म इतने बड़े होकर के चिड़ते हो इतने बड़े होकर के ये करते हो अरे बड़े नहीं अब वो बच्चे होने लगे उनको समझने का प्रयास करो प्रिय स्वजनों सुकन्या को पता है कि भूल मेरी हुई है इसलिए च्यवन ऋषि की आंखें चली गई है और इसलिए वो बार बार क्रोध करते हैं तो सुकन्या ने अपने प्रेम से अपनी सेवा उनका प्रेम संपादन किया है उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है कुछ समय के बाद अश्विनी कुमार जो वैद्य है वेद वेद काल के देवों के भी वैद्य है अश्विनी कुमार द डिवाइन द सेलेस्टियल फिजिशियंस ऐसा अंग्रेजी पुस्तकों में उनके लिए नाम मिलता है अनुवाद मिलता है अश्विनी कुमार वे जब उनके आश्रम पर आए तो चवन मुनि ने उनका सत्कार किया और कहा कि एक बिनती करता हूं अश्विनी कुमार पूछा क्या मेरी अवस्था ऐसी कर दी एक तो निरंतर तपस्या करता रहा शरीर वृद्ध हुआ आंखें भी एक सुकन्या की भूल के कारण चली गई चिवन ऋषि कहते मेरा मेरे शरीर ऐसा कर दीजिए कि जिससे युवतियां भी सुंदर स्त्रियां भी उससे प्रेम करें ऐसा मुझे कर दीजिए कुछ समय के बाद आ, हो गया और शरीर ऐसा हो गया तुरंत उनका प्रिय स्वजनों ये चेवन ऋषि है ना आयुर्वेद में बड़ी महत्ता है इसलिए आपने देखा होगा जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उसमें चेवन प्राश प्राश का अर्थ है जो चाटने का होता है वो और चेवन के नाम से क्योंकि फॉर्मूला उनके लिए उनके कारण उनके साथ चर्चा करके बनी है चेवन प्राश इट मेंटेन्स द यूथफुलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल उसके यौवन को बनाए रखते हैं च्यवन प्राश प्राश शब्द का भी अर्थ है ना आयुर्वेद तो कहता है कि दिन का आरंभ प्राश से होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जब भूखे पेट हो प्रातः काल में तो सबसे पहले प्राश लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपका जो भी पेय हो फिर उसके बाद भोजन ऐसा होना चाहिए हम लोग उठ के सीधे पहले चाय ही पीते हैं वो सबसे बुरी, बुरी बुरी बात है दिन का आरंभ आयुर्वेद की दृष्टि से वो प्राश से होना चाहिए ठीक तो चवन प्राश चवन ऋषि तो बड़े सुंदर हो गए हैंडसम, यंग। कुछ समय के बाद एक बार शरियाती राजा अपनी पुत्री का हाल पूछने के लिए सुकन्या का हाल पूछने के लिए वहां पर आए आश्रम में तो देखा कि पुत्री के पास तो एक बहुत सुंदर हैंडसम नौजवान बैठा हुआ है तो पिता को शंका हुई कि क्या हुआ रही मैं तो जो ब्याह किया था वो शरियाती वो तो वृद्ध थे वो चवन ऋषि तो वृद्ध थे मेरी पुत्री कोई गलत मार्ग पे जा रही है कोई गलत काम कर रही है या ऐसे नवयुवक के साथ क्या करिए बैठकर तो राजा को आक्रोश भी आया अपनी पुत्री को भला बुरा भी कहा ये सब श्लोकों में मैं जाता नहीं हूं लेकिन अपनी पुत्री को भला बुरा कहा सुकन्या ने शांति से कहा हंसते हुए पिताजी चिंता मत करो मैं आपकी पुत्री हूं मैं कभी भी चारित्र भ्रष्ट नहीं हो जाऊंगी ये जो आपको यंग हैंडसम दिखाई पड़ रहे हैं ना वो कोई और युवक नहीं है आपके जमाई ही है जिन्होंने जिनके साथ आपने मेरा पाणी ग्रहण किया जिसके साथ आपने मेरा ब्याह कराया था ये चेवन ऋषि ही है और फिर उन्होंने सारा वृत्तांत तो बताया है महर्षि च्यवन ने राजा शरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया और अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया है यही शरियाती के फिर आगे जाकर तीन पुत्र हुए उत्तान बरही आनर्त और भूरी शेण के देवत हुए उन्होंने समुद्र में कुशस्थली नाम की नगरी बसाई ये वंश आगे चला है जिसका फिर हम रेफरेंस संदर्भ आएगा प्रिय स्वजनों नवे स्कंद के चौथे और पांचवें अध्याय में बड़ा महत्व का चरित्र आता है नाभाग और अम्बरीश की कथा है दुर्वासा मुनि की दुख निवृत्ति मैंने कहा ना कि नवा स्कंद का जो पहले बारह अध्याय वो दुख दुख निवृत्ति के हैं और अंत में जो बार तेरहवें अध्याय से लेकर के चौबीसवें अध्याय तक है वो सुख प्राप्ति के हैं तो दुर्वासा ऋषि की दुख निवृत्ति कैसे हुई उसका वर्णन है सुखदेव जी वर्णन करते हैं नवम स्कंद के चौथे अध्याय के आरंभ करते हुए श्री शुक उवाच नाभागो नभगापत यम तम भर कवि यविष्ठम व्यभजन दा ब्रह्मचारेणत मनुपुत्र नभग नभग नभगम नाभागो नभगापत्यम और नभग का अपत्य नभग का पुत्र ये हुआ नाभाग और उसका पुत्र हुआ अमरीश लेकिन यहां पहले नाभाग की बात सुने नाभाग गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे अभ्यास के लिए गए थे उस समय में ऐसा होता कि 24-25 वर्ष की आयु हो जाए ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो जाए तो फिर विद्या अभ्यास भी पूरा हो जाता था स्नातक होकर के युवक घर पे लौटता गृहस्थाश्रम की शुरुआत करता लेकिन नाभाग जी को अध्ययन में इतना इंटरेस्ट कि वह 24-25 वर्ष की आयु में घर आए ही नहीं और पांच सात वर्ष बीत गए तो यहां जो दूसरे भाई थे उन्होंने सोचा कि अब तो नाभाग आएगा नहीं घर पे उसको कहा संसार में रस है उसको तो विद्याभ्यास में ही रस है भाइयों ने पिता की संपत्ति आपस में बांट ली नाभाग का कोई भाग नहीं रखा कुछ वर्ष के बाद नाभाग लौटे घर और देखा तो पिताजी की सारी संपत्ति का बंटवारा हो गया है अन्य भाइयों के बीच में उन्होंने धीरे से पूछा अपने भाइयों से कि मेरा भाग क्या है भाइयों ने मजाक में हंसते हुए कहा भ्रातरो भांग भांग तकिम महियम भजा पितरंतव तेरे भाग में पिताजी आए हैं उनकी सेवा करो तुम नाभाग समझ गए कहा कोई बात नहीं नाभाग ने अपने पिता नभक की बहुत सेवा की है और उसके परिणाम स्वरूप उनके वहां अम्बरीश जैसा भक्त पुत्र आया है हुँ। भाइयों ने तो कोई हिस्सा नहीं दिया लेकिन नाभाग ने पिता की सेवा करने का जब तय किया तो पिताजी ने अपने पुत्र नाभाग से कहा कि देखो आंगिरस कुल के ऋषि इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं परंतु हर छठे दिन वे अपना कर्म भूल जाते हैं चूक जाते हैं तुम वहां जाकर के उनको वैश्वदेव संबंधी दो सुक्त बता दो जब ये ऋषि अपना यज्ञ संपन्न करके स्वर्ग चले जाएंगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो ये लोग यज्ञ कर रहे हैं जब ये ऋषि अपना यज्ञ संपन्न करके चले जाएंगे स्वर्ग तो उनकी सारी संपत्ति तुम्हें दान कर देंगे यज्ञ में जो भी बचा हुआ है धन वो सब तुम्हें मिल जाएगा पिता की आज्ञा मान करके नाभाग ने जाकर के अंगीरा ऋषियों को जो थे मोक्ष के लिए यज्ञ कर रहे थे उनको वो दो सुक्त बताए यज्ञ का परिणाम बहुत सुंदर आया वो अंगीरा कुल के ऋषियों को सब मोक्ष मिल गया तो वो तो चले गए और जो धन था वो नाभाग को देकर गए अब नाभाग वो धन जब यज्ञ का बचा हुआ धन ले रहे थे तो वहां पर एक पुरुष आया है उत्तर दिशा से और उसने कहा कि ये यज्ञ उच्छिष्ट धन के ऊपर मेरा अधिकार है पूछा भाई आप कौन हो तो कहा मैं रुद्र हूं और यज्ञ में जो उच्छिष्ट होता है उसका अधिकार मेरा है नाभाग ने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप तो कहते थे और इन्होंने दिया भी अंगिरा कुल के ऋषियों ने अब ये पिता ने कहा कि बेटा उनकी बात तो सही है ये जो उत्तर दिशा से आए रुद्र अधिकार तो उनका है तो नाभाग कहते हैं ठीक है फिर रुद्रदेव आप ले लीजिए यज्ञ के उच्छिष्ट धन का अधिकार आपका है जब सौंप दिया प्रिय स्वजनों व रुद्र तो परीक्षा लेने आए थे कि तुम में कितनी नीति है तुम धर्म के और शास्त्र के प्रमाण को कितना स्वीकार करते हो इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रोटोकॉल और अपने स्वार्थ को अपनी आ, मान्यताओं को बाजू पे रख देते हो मैं तुम्हें दे देता हूं सब कुछ धर्मानुकूलीय जब निर्णय नाभाग नाभाग ने सुनाया तो रुद्र ने प्रसन्न होकर के सब धन तो दे दिया ऊपर से ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी दिया है और ये नाभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश नाभागाबरी शोभुन महाभागवत कृति ना स्पृशत यन्न प्रतिहत क्वचित अम्बरीश महाभागवत हुए भागवत शब्द का एक अर्थ है भक्त और ये अम्बरीश महाभक्त है जिनको ब्रह्मशाप भी दुर्वासा ऋषि का शाप भी उनको नहीं लगता है उनकी रक्षा होती है और उनकी अमरीश की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रखा है तो परीक्षित पूछता है भगवान श्रोतुम इच्छा मी राज धीमता इतने बड़े भागवत इतने बड़े भक्त महान भक्तों की सूची में नाम है उनका प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश बहुत ईमान परम भागवतां स्मरामी। ये परम ये भागवत हैं इनके चरित्र सुन के हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है मार्गदर्शन मिलता है परीक्षित राजा कहते हैं गुरुदेव तो मैं अम्बरीश जी का चरित्र सुनना चाहता हूं सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील थी संसार से विरक्त थी अम्बरीश की भक्ति को क्या कहें? वर्णन किया है बहुत सुंदर सवई मन कृष्ण पदारविंद योर वचांसी वैकुंठ करउ हरेर मंदिर श्रुति चकाराच्युत दये राजा थे अत्यंत सुंदर रूप से वो सांसारिक कर्तव्य निभाते थे लेकिन ये पूरा कार्य वो अपना अधिकार समझ के नहीं करते थे परमात्मा की सेवा समझ के करते थे भक्ति का अर्थ देखिए भक्ति और वैराग्य में यही फर्क है वैराग्य में संसार का त्याग है सब छोड़ के जाने की बात है भक्ति में संसार में रह करके प्रभु का निरंतर चिंतन करते हुए अपने अहंकार को बिल्कुल सर उठाने का मौका न देते हुए नम्र भाव से दीन भाव से हमारे ब्रह्मलीन पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी ये दीनता की प्रत्यक्ष मूर्ति थी कभी भी कोई हठाग्रह नहीं मेरा ही चाह हो मैं जो कहूं वही करे मेरी इच्छा पूरी करो ऐसे नहीं दीनता वैष्णवता का बहुत बड़ा लक्षण है तो, तो कहने का आशय शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो जानकार व्यक्ति है उसको पता है क्या करना चाहिए तो उसके आदेश के अनुसार उसकी आज्ञा के अनुसार कर्म करना मैं क्या चाहता हूं या मेरी क्या इच्छा है ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या होना चाहिए यह मुझे करना है आज संसार में कई लोग भक्ति के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में भी मनमानी करना चाहते हैं मेरी इच्छा यह है दिस इज व्हाट आई वांट अरे मैं वो क्या कौन होता हूं शास्त्र क्या कहता है वो मुझे करना है तो प्रिय स्वजनों अमरीश ने ऐसे राजा थे सत्ता थी उनके पास में वो सब कर्तव्य निभाते हुए लेकिन अत्यंत तो क्या कहा सवई मन कृष्ण पदारविंदो उनका मन निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में रहता था वचाओं से वैकुंठ गुण अनुवर्ण नहीं ये वाणी है ना भक्त की वाणी से पता चल जाता है भक्त सभी के गुणों का वर्णन करेगा सभी में अच्छाई देखेगा वो अच्छाई का वर्णन करेगा और अच्छाई कहां से आई तो उसका यश वो परमात्मा को देखा देगा वाणी वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन भगवान ने कितनी कृपा की है इसके ऊपर कितना अच्छा आदमी भगवान ने कितनी कृपा की है कितना अच्छा आदमी प्रत्येक स्थान में प्रिय स्वजनो घर में आए ओहो भगवान की बड़ी सुंदर कृपा है बहुत सुंदर घर है आपका भोजन करने बैठे हो भगवान की बड़ी कृपा है कितना सुंदर भोजन बना है जो भी करें किसी व्यक्ति से मिले वो भगवान की बड़ी कृपा है कितना अच्छा व्यक्ति है ये भक्त का लक्षण है दुखी व्यक्ति संसारी व्यक्ति दोष दर्शन करता है वो कहीं घर में जाएंगे मुझे आपके दीवार का रंग पसंद नहीं आया मुझे आपका सोफा पसंद नहीं आया अरे तुझे पूछा किसने भोजन करने बैठेंगे मुझे इसमें नमक कम है ये दाल पतली हो गई ये सब्जी में से तेल निकलता है चावल चिपक गए, अरे प्रसाद है भगवान का प्रकृति में सब जगह पे ईश्वर की कृपा वचाओं से ये प्रिय स्वजनों प्रयास करके देखना भक्ति मार्ग की आराधना है भक्ति मार्ग अर्थात केवल राम 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 या कृष्ण 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 जप करते रहना केवल कुछ रिचुअल्स दिन सुबह दोपहर शाम रात करते रहना वो भक्ति नहीं है भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर के अनुग्रह का यदि क्षण क्षण पे अनुभव नहीं हो रहा तो हम भक्त कहां के क्या हम दावा कर सकते हैं भक्ति करते हैं भूल हो रही है कहीं पर भक्त को तो निरंतर मेरे ठाकुर की कृपा मेरे ईश्वर की कृपा वाह वाह मेरे ईश्वर की कृपा ये बहुत समय पहले कुछ एक का ऐसी धुन जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो राधा रमण राधा रमन राधा रमन जिस रूप में रहो जिस रूप हमारी मीरा कहती है ना राम राखे तेम रही है, और जी राम राखे मीरा ने कभी शिकायत की ऐसा क्यों हुआ ये क्यों हुआ कोक दिन खावा ने शीरों ने पूरी तो कोक दिन भूख्या रही है मीरा को भी पता तो चलता होगा ना कि किसमें नमक ज्यादा और किसमें नहीं है लेकिन मीरा ने कभी नहीं कहा मेरे प्रभु का प्रसाद मेरे प्रभु की कृपा मीरा को भी गलत लोग मिलते होंगे हम तो सब जानते हैं ना इतिहास की देवर ने विष का प्याला भेजा मीरा ने कभी उसकी निंदा की यह बुरा आदमी है इसको कुछ पता नहीं चलता है ये मेरे साथ ऐसा करता है नहीं मीरा तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई प्रिय स्वजनों हमारे मन से हमारी वाणी में हमारे व्यवहार में ये जब शिकायतें फरियादें कम होती जाएगी तभी हम सही अच्छा रूप में भक्त बनेंगे अम्बरीश का से वैकुंठ गुणानुवर्णने अनुवर्णने ओ हो प्रभु की कृपा करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु उनके कर भगवान के मंदिर का मार्जन करने में बुहारी की सेवा करने में अर्थात केवल क्या के दो चौबीस घंटे झाड़ू लेके घूमते रहते थे नहीं हाथ से जो भी होता है ये पूरा विश्व भी तो परमात्मा का मंदिर है ना वहां हम क्या अच्छाई कर सकें क्या पवित्रता ला सकें उसी मग्नता में और श्रुति चकाराच्युत सत्कथ हो दर्ण उनके श्रुति भगवान की कथा मैं सबके गुणों का वर्णन करता हूं मेरे पास भी सब अच्छी बातें ही बताओ न मुझे कोई नेगेटिव बात बोलनी है न मुझे कोई नेगेटिव बात सुननी है ये जब भाव है ये अम्बरीश महाभागवत बत, भक्तराज अम्बरीश हम कहते हैं तो ऐसी उन्होंने सुंदर मुकुंद लिंगालय दर्शन ए दृश दृष्टि भगवान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के लिंगालय दर्शने लिंग का अर्थ है मूर्ति स्वरूप जहां रखा हो तो भगवान के स्वरूप का दर्शन ही करते रहते थे जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है ज्या ज्या नजर मारी ठरे यादी भरी त्या नहीं प्रभु महा मुझे तू ही दिखाई पड़ता है दृष्टि में तृत्य गात्र स्पर्शिंग संगम त्वेंद्रिय से जो स्पर्श भी करें ना तो जहां भी लगे बस प्रभु के भक्त हैं सब ऐसे सरोज सौरभे नासिका से जो घ्राण भी लेते ऐसा लगता ये मेरे परमात्मा के चरण कमल की सुगंधा रही है श्रीमत् तुलस्या रस नाम तद जीव के ऊपर जो भी स्वाद आए ऐसा ही लगे ये प्रभु के चरणों से उठाई हुई तुलसी रस तुलसी का पत्ता मेरे पर आ रहा है तुलसी का ही स्वाद आ रहा है ऐसा पूरा जी पाद हर एक क्षेत्र पदा अनुसर बहुत सुंदर है ये भक्तराज अम्बरीश का वर्णन मेरा प्रिय चरित्रों में से एक है ये भक्तराज लेकिन हम तो संक्षेप में है ना पूरा वर्णन करने बैठूंगा तो फिर आज का पूरा भाग उसमें ही चला जाएगा भक्तराज अम्बरीश का बहुत सुंदर चरित्र एक बार प्रिय सृजनों ऐसा हुआ अब ये भक्तराज अमरीश है ना वो एकादशी का व्रत करते थे युक्त वीरो दधार द्वादशी व्रतम शब्दों को ध्यान से सुनना श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं। हम कहते हैं एकादशी व्रत एकादशी व्रत लेकिन श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी जहां पर वर्णन है वहां द्वादशी व्रत लिखा हुआ है क्यों एक बहुत बड़ी समस्या और उलझन लोगों के मन में होती है उसका स्पष्टीकरण करो विशेष करके जब दो एकादशी हो तो फिर गड़बड़ होती है पहली एकादशी करो या दूसरी एकादशी करो वैष्णव संप्रदाय में अधिकतर दूसरी एकादशी करते हैं और फिर उसको नाम दे दिया वैष्णव एकादशी और पहली वाली को स्मार्त एकादशी इसके रहस्य को समझे कई बार मेरे सामने ये प्रश्न भी आते हैं कि ये बड़ी गड़बड़ है एकादशी करते होंगे तो नहीं करते होंगे तो हरी भजो भाई मौज करो लेकिन करते होंगे तो ये समस्या आती है लोगों को श्रीमद् भागवत में और अपने अन्य शास्त्रों में गर्ग संहिता में भी राधा जी ये उपदेश करती है ऐसे ये प्रमाण दिया गया है गर्ग संहिता में भागवत में सूत्रात्मक रूप में कहा है इसके पीछे की जो ज्योतिष शास्त्र है और व्रत तय करने का जो अपना नियम है उसके सिद्धांत को बता दो ये सारी आप, आपके मन में जो संशय कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाएगा कि पहली और दूसरी में अंतर क्या है पूरी तिथि यदि एकादशी हो तो तो एक ही है उसमें तो कोई संशय नहीं है संशय आता है जब दो होती हैं सूर्योदय के समय दशमी थी उसके बाद में दशमी पूरी हो गई एकादशी आरंभ हुई ये एक है और दूसरा कि सूर्योदय के समय एकादशी और द्वादशी सूर्योदय के समय उसके बीच में तो वैष्णव परंपरा जो है श्रीमद् भागवत या वैष्णव ग्रंथ माना गया ऐसे तो सनातन पूरा है लेकिन कृष्ण भक्ति की बात कही इसलिए उसने कहा कि द्वादशी से विद्ध एकादशी लेनी चाहिए द्वादशी युता एकादशी लेनी चाहिए और अन्य जो ऋषि हैं वो मानते हैं कि भाई जो एकादशी हुई पहली जहां स्पर्श हो गया एकादशी वो एकादशी लेनी चाहिए तो इसमें ये पहली और दूसरी आती है वैष्णव मान्यता ऐसी है कि द्वादशी से विद्ध एकादशी लेनी चाहिए इसलिए यहां पर देखो अम्बरीश जी व्रत भी करते हैं ना तो वो क्या करते हैं द्वादशी व्रतम वो लेना चाहिए दशमी पचपन घड़ी हो और एकादशी वहां केवल स्पर्श होती हुई हो तो भी वो एकादशी को त्याग करके द्वादशी को व्रत करें दशमी का एक पल भी यदि वहां पर स्पर्श हो गया तो उसको त्याज्य माना है वैष्णव परंपरा में विशेष करके गर्ग संहिता में राधा जी जब उपदेश करती हैं तब इसलिए अधिकतर वैष्णव संप्रदाय सब अधिक नहीं सभी वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय बहुत सारे अलग अलग सबसेट्स हैं लेकिन वो सब द्वितीय एकादशी करते हैं और कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है स्मारत शैव की कि जो एकादशी पहले लग गई वही पहले एकादशी लेनी चाहिए उसमें और भी ज्योतिष के प्रमाण है लेकिन उसमें अभी चर्चा में मैं नहीं जाता हूं यहाँ जितना केवल आवश्यक था तो अम्बरीश ने कौन सा व्रत किया है द्वादशी व्रत एकादशी का उपवास किया द्वादशी के दिन मध्यान्ह का जब समय था नदी के किनारे पहुंचे हैं पूजन किया और पारण करना है पारण करने की तैयारी ही कर रहे थे परीक्षित जी अम्बरीश जी पारण उसको हिंदी में पारण कहते हैं गुजराती में पारणा कहते हैं तो अमरीश जी जब पारण कर रहे थे तो वहां पर दुर्वासा जी आए अब एकादशी का व्रत किया है भोजन कर रहे हैं उससे पहले कोई यदि इतने तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण आ गए तो, तो बहुत बड़ी सद्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण भोजन कराएं तो अमरीश जी ने कहा कि दुर्वासा जी आप भी भोजन करें जी कहते हैं ठीक है मैं भोजन करने के तुमने आमंत्रण दिया है तो आता हूँ लेकिन मेरा नित्य कर्म स्नान संध्या बाकी है मध्यान्हन संध्या में चरण करने के लिए जाता हूँ गए उनको लौटने में देरी हो गई और तब तक ये द्वादशी पूरी हो जाती थी अब द्वादशी पूरी हो जाए उसके पहले पारण हो जाना चाहिए नहीं तो उनका व्रत खंडित होगा उलझन में पड़े अमरीश जी क्या करें तो वहां कुछ विप्र थे उनको पूछकर मान लिया कि भाई जल की अंजलि ले लो वो जल की अंजलि लेते हैं वो भोजन किया हुआ माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है अंबसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम प्राहुर भक्षण विप्रा यशीतम नाशितंच तत् अशितम अर्थात भोजन कर लिया और न अशितम जल ही पिया है भोजन कहाँ किया है तो व्रत संपन्न भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं किए ब्राह्मण आएंगे मुनि आएंगे उनको भोजन कराएंगे ऐसा करके अम्बरीश जी ने जल की अंजलि ले ली मुनि आए देखा कि अरे मुझे निमंत्रण दिया था तुमने तो पारण कर लिया अंजलि ले ली दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा पटक के उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की वो कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी लेकिन अम्बरीश जी तो स्वस्थ खड़े रहे हुआ ये कि ये कृत्या अब दुर्वासा मुनि के पीछे और कृत्या को मारने के लिए भगवान ने ये सुदर्शन चक्र छोड़ा है कृत्या तो नष्ट हो गई अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे दुर्वासा मुनि अपनी रक्षा करते हुए ब्रह्मा जी के पास शिव जी के पास उन्होंने कहा भाई विष्णु का अपराध है तो सुदर्शन चक्र विष्णु का है उनसे जाकर पूछो अंत में नारद मुनि भगवान विष्णु के पास दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रं ते नाभागत ऋषि आपने अपराध अम्बरीश का किया और क्षमा मुझसे मांगते हैं ऐसे कैसे चलेगा आप अम्बरीश की क्षमा मांगो दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास आए राजा को चरण स्पर्श करने लगे राजा को बहुत हुआ अरे आप इतने तपस्वी ब्राह्मण ऋषि आप मुझे चरण स्पर्श करें नहीं 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 सुदर्शन चक्र शांत हुआ प्रिय स्वजनों ये अम्बरीश की कथा एकादशी का व्रत उसकी महिमा क्या है आज का समय हुआ तो हम नेक्स्ट भाग में अगले उसमें चौबीसवें भाग में हम देखेंगे एकादशी की महिमा व्रत की महिमा भी देखेंगे और नवे की कथा में हम आगे बढ़ेंगे आज के लिए इतना ही कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परमात्म ने प्रणत गोविंदा नमो नमः ओम शांति शांति शांति